दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 प्लस 2 का टॉपिक मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है डेफिनेशन देखिए। इसकी ए सेट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए m क्रॉस n मैट्रिक्स और टू बी रीड एज m बाय n मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले बच्चों आपको मैट्रिक्स होती क्या है, एक नंबर्स को या एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाए जिसमें क्या हो कुछ रोज हो और कुछ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एग्जांपल है मैट्रिक्स का। जैसे यहां पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको इस तरीके से अरेंज करके लिखा गया है रोज में। ये इनको हम रो बोलते हैं, ये सेकंड रो और ये वाले आपके कॉलम्स। ये नंबर्स को, वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को, फंक्शंस को, कुछ भी आ सकता है एलिमेंट्स में, उसको अगर आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके लिख पाओ, अगर आप उसको लिख सकते हो, तो जो ये वाली नोटेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है सी एक्स वाई जेड टी। अब ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स है, हमने इसको किस में अरेंज किया, मैट्रिक्स फॉर्म में। यहां पे रो कितनी है, दो, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यानी किन्हीं भी एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स में आपको कुछ भी आ सकता है, अगर उसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो तो जो ये फॉर्म होगी इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और यूजुअली हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे आपको लिख के बताया, जैसे ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो इस एलिमेंट को हम नोटेशन कौन से देंगे, ए वन वन। दैट मींस एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड ऑन द फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अगर आपकी मैट्रिक्स एम ए बाय एन की है, यानी अगर उसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वन वन। अब यहां पे रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वन टू। थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं, फर्स्ट रो है, ए वन थ्री, अप टू सो ऑन। कॉलम्स कहां तक है, एन तक, तो ए वन एन। फिर सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए टू वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए टू टू, ए टू थ्री, अप टू सो ऑन। रो कहा, रो कितनी है इसमें, एम रोज, तो लास्ट वाला एलिमेंट ए एम वन एम टू एम थ्री अप टू सो ऑन एम एन। तो यानी किन्हीं भी एलिमेंट्स को एम इंटू एन, इस एलिमेंट्स को अगर आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रेक्टेंगुलर वे में अगर आप इसको अरेंज करके लिखते हो, तो जो ये फॉर्म बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ये मैट्रिक्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर्स को आपने अरेंज करके लिखा है दो रोज और 3 कॉलम्स में। इज इट क्लियर। यहां पे एक सिंगल लाइन है, यानी इसको भी आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही अरेंज किया है, रो एक है और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में दो रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2। लास्ट वाली मैट्रिक्स डी, इसको भी हम मैट्रिक्स कहेंगे, इसमें रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 1। तो ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है। तो आई थिंक आपको मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी जो ये इतनी बड़ी हमने फॉर्म इसको मैट्रिक्स की लिखी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे और ऑर्डर के, सॉरी एम बाय एन, यानी एम रोज और एन कॉलम्स, या फिर ऐसे लिखा हुआ ए आई जे। आई कहां, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो यहां पे इसकी रो कितनी है,
वन टू थ्री फोर कहां तक है रो, एम तक। तो यहां पे हमने आई की वैल्यू कहां से कहां तक ली है, वन टू एम। देखिए आई ये आपका वन टू थ्री कहां तक जा रहा है, एम तक। तो वन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एमथ रो। तो आई की वैल्यू एम तक। और जे कॉलम्स कितने हैं इसमें, एन। काउंट कीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एनथ कॉलम। जे कहां से कहां तक है, वन टू थ्री अप टू सो ऑन एन तक। तो यानी इस पूरी मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म देके इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अब देखिए, जैसे आपके पास मैट्रिक्स लिखी गई है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब ये रेक्टेंगुलर वे में लिखा गया है, रोज और कॉलम्स में। अब इसमें रोज को काउंट कीजिए, ये वाली टर्म रो में आएगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो रोज कितनी हो जाएगी इसमें, फोर। अब कॉलम्स, ये वाली टर्म कॉलम में आती है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम्स कितने हैं, थ्री। तो जो ये फोर क्रॉस थ्री है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी जो आप रोज को काउंट कीजिए, कॉलम्स को काउंट कीजिए, रो और कॉलम्स को क्रॉस में लिखिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अगर आपसे कोई भी आपसे इसका ऑर्डर पूछता है, तो आप ये बोलोगे, सर इसमें चार रो हैं और तीन कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 4/3। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको। इसका बताइए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? जी इसमें दो रो हैं और कॉलम कितने हैं, थ्री। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे जो फर्स्ट नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और सेकंड वाला कॉलम को। और ऑर्डर आपका इसी फॉर्म में आएगा, पहले आप रो लिखेंगे और बाद में आप कॉलम। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप कौन कौन सी होती है? जनरली दो टाइप की होती है मैट्रिक्स। नंबर वन स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी अभी आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता था, उसी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती हुई मैट्रिक्स की दो टाइप्स आती हैं, नंबर वन स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको इनके बारे में बताते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स को वन बाय वन अगर आप अटैच करते हो, ये वाले, और यहां से अगर ये फॉर्म स्क्वेयर शेप में बनती है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, स्क्वेयर मैट्रिक्स। जी यानी ये स्क्वेयर कब बन सकता है, जब यहां पे रो देखिए कितनी है, वन
टू थ्री, तीन रोज हैं और कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री। यानी जब आपके रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपके इक्वल होते हैं मैट्रिक्स में, तो उसकी जो ये वाली शेप बनती है ये स्क्वायर के जैसे बनती है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन में, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, नोट कीजिए, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बस अगर आपके रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो ये शेप स्क्वायर जैसे बनने की वजह से इसका नाम दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सेम इसका उल्टा है, मैट्रिक्स की ऐसी शेप जो बिल्कुल प्रॉपर रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। देखिए अगर आप इसके एलिमेंट्स को ऐसे अटैच करते हो तो फॉर्म कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल की। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये ऐसी शेप तभी बनती है जैसे इसमें रोज काउंट कीजिए कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो टू रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो रोज इसमें आपकी टू है, कॉलम्स आपके थ्री है। यानी अगर आपके रोज और कॉलम्स सेम नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलें, क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नोट कर लीजिए, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। यानी अगर आपके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपके रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप में, रख दो इसको। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप करने से पहले आपको एक बार बता देते हैं कि मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहां पे एलिमेंट है, फर्स्ट रो है, रो वन है, कॉलम कौन सा है इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वन टू। नेक्स्ट ए वन थ्री। नेक्स्ट टू भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स हमें चाहिए थ्री बाय थ्री की, थ्री तीन रोजों और तीन कॉलम्स हो, तो ए टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए टू थ्री सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, रो कौन सी है, अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट ए थ्री वन, नेक्स्ट ए थ्री टू और ए थ्री थ्री।
तो कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगुलर है, उसको रेक्टेंगुलर है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेरा मेन मेन मोटिव आपको बताना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि तो इसके एलिमेंट्स को अटैच करते हैं, क्या बनता है स्क्वायर, यानी यहाँ पे रो और कॉलम सेम है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल बोलते हैं ना, डायगनल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहां पे इस डायगनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो मेन डायगनल है इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डायगनल एलिमेंट्स, यानी द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगनल एलिमेंट्स। अब बच्चों इन्हीं को हम डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी कह सकते हो कि वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स के ऊपर रो और कॉलम दोनों की पोजीशन क्या हो, सेम हो, वो वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, डायगनल एलिमेंट्स। जैसे यहां पे रो भी वन है कॉलम भी वन है, रो भी वन कॉलम भी वन दोनों सेम होंगे तो कौन सा एलिमेंट होगा, डायगनल। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी जहां पे अगर एलिमेंट्स आपका ए आई जे टाइप का हो और यहाँ पे आई और जे दोनों क्या हो, सेम, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डायगनल एलिमेंट्स। ये आपको समझाने के लिए है कि डायगनल के जो सॉरी स्क्वायर के जो मेन डायगनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, है डायगनल एलिमेंट्स। अब सर आप ये भी पूछोगे सर डायगनल तो ये भी है, तो सॉरी हम इस डायगनल के जो ऊपर इनके एलिमेंट्स को हम डायगनल एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, तो जो मेन डायगनल हम इसी का यूज करते हैं कि इसके ऊपर जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, डायगनल एलिमेंट्स। अब ये भी कह सकते हो कि यहां जहां पे ऐसे एलिमेंट्स जहां पे रो और कॉलम की पोजिशनिंग क्या हो, सेम, तो इनको हम क्या कहते हैं, डायगनल एलिमेंट्स। तो चलिए एंड ये तो डायगनल एलिमेंट्स हो गए, और इनको इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं ये वाले और नीचे वाले, बाकी एलिमेंट्स को इनको हम क्या कहेंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। यानी जो डायगनल के ऊपर नहीं है वो सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बताइए कि अगर आपके सामने मैट्रिक्स लिखी गई है 1 2 3, 2 1 3, 3 1 2, तो इसके डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कौन कौन से होंगे, ये वाले एलिमेंट्स 1 1 एंड 2। तो बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हैं जैसे 2 3 3, 2 3 1, ये एलिमेंट्स कौन से होंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो आप यहां ये कह सकते हो रेस्ट आर नॉन डायगनल एलिमेंट्स। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसी के बाद डेफिनेशन आता, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हुई आगे डेफिनेशन आएगी। दोबारा देख लीजिए, कोई भी आप अगर आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है तो स्क्वायर का जो डायगनल शेप होती है जो ये वाली, इसके ऊपर जितने एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, डायगनल एलिमेंट्स, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या क्या कहेंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप।